हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे फेसबुक की पुरानी आईडी कैसे खोलें। जैसे कि फेसबुक पर आपकी कोई पुरानी आईडी जिसको आप वापस खोलना चाहते हो, लेकिन आपको उसका पासवर्ड नहीं पता, जिसकी वजह से आप अपनी पुरानी आईडी नहीं खोल पा रहे हो, तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो। इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं कि आपका जो फेसबुक का पुराना अकाउंट है उसको आपको पासवर्ड भी नहीं पता, पासवर्ड भी भूल चुके हो, फिर भी आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो, वापस खोल सकते हो। कैसे खोलोगे, 2024 का नया तरीका आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एक बार पूरा कंप्लीट देखना और ध्यान समझना, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ये चैनल है जिसपे आप वीडियो देख रहे हो, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और सबको लाइव सीख लेते हैं। तो मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसा कि आप देख सकते हो। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने अपने मोबाइल में फेसबुक एप्लीकेशन ओपन कर लिया और आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। जो मेरी फेसबुक की पुरानी आईडी थी वो यहां से लॉग आउट हो चुकी है, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अब आपको अपनी पुरानी आईडी कैसे लॉग इन करोगे विदाउट पासवर्ड के, मेरी बात को गौर से समझना। मुझे अपना मोबाइल नंबर से पता है कि मेरी आईडी किस मोबाइल नंबर से बनी थी, लेकिन मुझे अपना पासवर्ड नहीं पता, मैं पासवर्ड भूल गया हूं। इस कंडीशन में आप अपनी पुरानी आईडी को कैसे लॉग इन करोगे, बस वीडियो पर कंप्लीट देखना, ध्यान से समझना। कंडीशन में आपको क्या करना है, नीचे की साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला फॉरगेट पासवर्ड, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। इन बॉक्स को ऐसे ही छोड़ देना, आपको ये ऑप्शन ला फॉरगेट पासवर्ड, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा फाइंड योर अकाउंट। देखो, आपका फेसबुक पर जो भी पुराना अकाउंट है उसको आप सबसे पहले यहां से फाइंड कर सकते हो, उसके बाद आप उसको लॉग इन कर सकते हो। सबसे पहले आपको अकाउंट फाइंड करना है, कैसे करोगे, देखो आपके सामने यहां पे एक बॉक्स आया था ये वाला, जिसमें कि आपको दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपका फेसबुक अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से बना था वो मोबाइल नंबर आपको यहां पर डाल देना, मोबाइल नंबर का सेक्शन आ रहा है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना फेसबुक अकाउंट बनाते तो मोबाइल नंबर नहीं लगाते बल्कि ईमेल आईडी लगाते, ईमेल आईडी से फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। तो आपको यहां पे एक ऑप्शन दिखाई देगा सर्च बाय ईमेल, ये ऑप्शन आ रहा है सर्च बाय ईमेल, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब यहां पे आ जाएगा ईमेल आईडी डालने के लिए। आपको अपना अकाउंट फाइंड करना है, मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो, ईमेल आईडी से, जो आपकी इच्छा है आसानी से कर सकते हो। मुझे मोबाइल नंबर से फाइंड करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया सर्च बाय मोबाइल नंबर, मैंने इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ऑप्शन आएगा मोबाइल नंबर, तो यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना। तो सबसे पहले मैं अपना नंबर डाल देता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने यहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना जिससे आपका फेसबुक अकाउंट बना हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आया, कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस कंटिन्यू पर क्लिक करो, अब देखो जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस मोबाइल नंबर से आपके जितने अकाउंट होंगे सारे अकाउंट आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। जो मैंने मोबाइल नंबर डाला उससे मेरे फेसबुक पर दो पुराने अकाउंट हैं जो कि यहाँ पर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आपने मोबाइल नंबर डाला, आपके जितने अकाउंट होंगे सारे आपको शो हो जाएंगे। अब आप इनमें से किसी भी अकाउंट को लॉग इन कर सकते, मान लो आपके सामने दो अकाउंट आ रहे हैं, उनमें से आप किसी को भी लॉग इन कर सकते हो। कैसे करोगे, जैसे कि मान लेते हैं मुझे फर्स्ट वाला अकाउंट लॉग इन करना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। आपको जिसको लॉग इन करना है उसको आप सेलेक्ट कर दोगे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब आपके सामने ये इंटरफेस आएगा, जो आपने फेसबुक अकाउंट सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, देखो अगर आपके फेसबुक अकाउंट मोबाइल नंबर डाला तो मोबाइल नंबर का ऑप्शन आएगा। आपको अपना अकाउंट लॉग इन करना है, उसके लिए आपको एक कोड मंगाना पड़ेगा, वेरीफाई कोड। इससे फेसबुक ये कंफर्म करेगा कि आपका ये अकाउंट है और आप इसको खुद पर्सनल खुद लॉग इन कर रहे हो, इसलिए आपको एक कोड मंगाना है। देखो मेरे फेसबुक अकाउंट में ईमेल आईडी नहीं लगी है, इस वाले अकाउंट में ईमेल आईडी नहीं अटैच है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आ जाएगा। देखो यहाँ व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, यहाँ पर सादा नंबर आ रहा है। अब आपको ओटीपी कोड मंगाना है, आप किस पर मंगाना चाहते हो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दोगे। जैसे कि अगर आपको व्हाट्सअप पर मंगाना है तो आप व्हाट्सअप वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर दोगे, अगर आपको एसएमएस पर मंगाना है तो एसएमएस वाला सेलेक्ट कर दोगे। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे एसएमएस पर कोड आया, तो मैंने सेकंड वाले को सेलेक्ट कर दिया। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन आया तो आपको सेलेक्ट कर देना, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया, देख सकते हैं सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना, नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन मिला, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, 6 डिजिट का कोड, देख सकते हैं यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है एंटर कोड। ये कोड आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा जो कि आपने मोबाइल नंबर डाला हुआ है, तो आपके मोबाइल नंबर कोड आ रहा है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं अपना कोड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा कोड आ चुका और मैंने यहाँ पे अपना कंफर्मेशन कोड डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको कोड डाल देना, उसके बाद आपके सामने ऑप्शन है कंटिन्यू का, ये ऑप्शन आ रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने ऑप्शन आया क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। देखो आप अपने फेसबुक अकाउंट का पुराना पासवर्ड भूल गए, उसे हमेशा के लिए भूल जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है, आपके सामने डायरेक्टली ऑप्शन आया क्रिएट ए न्यू पासवर्ड। अब ये ऑप्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि फेसबुक को कंफर्म हो चुका है कि जो आप पुराना अकाउंट लॉग इन कर रहे हो वो आपका पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आपने कोड को वेरीफाई कर दिया है। इसलिए अब यहाँ पर आपको एक न्यू पासवर्ड डाल देना, जो आप अपने अकाउंट का न्यू पासवर्ड बनाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक न्यू पासवर्ड डाल दिया। तो इस प्रकार से आपको एक न्यू पासवर्ड डाल देना जो आप बनाना चाहते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके सामने कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो मेरा फेसबुक अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो चुका है। सो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी अपने फेसबुक के पुराने अकाउंट को लॉग इन कर सकते हो विदाउट पासवर्ड, जैसे कि मैंने आपको लाइव करके दिखाया है। और अगर अभी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके
पूछ सकते हैं। सो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो एक लाइक कर देना, और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।